डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिसकस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किसी भी माशरे के अंदर ला इन्फोर्समेंट के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो हरकत में आता है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत सी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंश्योर करती हैं सो फॉर्मल सोशल कंट्रोल मैकनिजम्स आर असेंशियल फॉर मेन्टेनिंग सोशल ऑर्डर एंड रेगुलेटिंग बिहेवियर इन कॉम्पलेक्स सोसाइटीज़ क्योंकि आज के माशरे जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हुए हैं कंट्रीज़ के अंदर मल्टीपल सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं मल्टीपल कम्यूनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंदर फर्दर डाइवर्सिटीज़ होती हैं तो इस कम्पलेक्सिटी को डील करने के लिए जो निज़ाम बनाया जाता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है ट्रडिशनल uh, या कन्वेंशनल सोसाइटीज़ के अंदर चूँकि सिंपल सोसाइटीज़ होती थी और बहुत कम लोग जो हैं उनको डील करना पड़ता था तो इस वजह से उनका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो भी रिलेटिवली सिंपल होता था हाउ एवर इन मॉडर्न सोसाइटीज़ दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मल सोशल कंट्रोल मैकेज़म एंड दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पुलिस है आपका कोर्ट सिस्टम है और फिर कुरेक्शनल फैसिलिटीज़ हैं जिसके अंदर प्रिजेंस आती हैं द पर्पज़ ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ to enforce laws and punish those who violate them. So overall, इसका मकसद जो है वो आपके लिए sanctions का निज़ाम मरतब करना है punishment का निज़ाम मरतब करना है क्योंकि norms को और values को protect करना हर society के लिए जो है वो अवलिन तरजीह होती है जब किसी भी value system के अंदर कोई वायलेशन uh, होती है तो उस वायलेशन को टेकल करने का निज़ाम जो है वो उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है सो द पर्पस ऑफ़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ टू इनफोर्स दीज लॉज एंड लेटर ऑन पनिश द हु वायलेट दीज नॉम वायलेट दीज नॉम्स तो चूँकि वायलेशन के थ्रू जो एक डिटरेंस है वो क्रिएट होता है तो फ्यूचर में इस हवाले से जो उस एक्शन को अप्रीहेंड uh, करना भी एक इम्पॉटेंट मकसद होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्टेट्स पावर एंड अथॉरिटी। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ना हो तो स्टेट की पावर और उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो सकती है नॉमलेसनेस uh, की कैफियत पैदा हो सकती है क्योटिक सिचुएशन हो सकती है और इस तरह से सोसाइटीज़ जो हैं वो डिस भी हो सकती हैं सो द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ सब्जेक्ट टू ऑन गोइंग डिबेट एंड क्रिटिसिजम पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द इशूज़ ऑफ फेयरनेस एंड बाइसिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक सोशॉलोजिस्ट को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है ताकि सोशालोजिस्ट जो हैं वो इसको ऑब्जर्व कर सकें इसके हवाले से देख सकें कि क्या जस्टिस सिस्टम जो है वो फेयरनेस के ऊपर मबनी हैं या इसके अंदर बाइसिस मौजूद हैं जो कि पोटेंशली इनक्वालिटी और इनजस्टिस की तरफ लीड कर सकते हैं तो इट कैन बी द फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखें आप पुलिस के निज़ाम को देखें कोर्ट्स के सिस्टम को देखें और खास तौर पर जो प्रिजन सिस्टम है उसको देखें और देखते हुए ये आ, इस कंक्लूजन तक पहुँचने की कोशिश करें दैट वेदर आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द फेयरनेस और इट हैज़ द पोटेंशियल बाइसिस विच कैन बी क्रेक्टेड बाई है द फेयर पॉलिसीज